जब आप नया वाहन खरीदते हैं तो आपके साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2018 से सभी नए वाहनों को खरीदने के साथ साथ 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में यह भी सभी लोगों को जानना चाहिए कि आखिर ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है, जिसको कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में आइए अब जान लेते हैं आखिर यह थर्ड पार्टी होता क्या है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। लोग वाहनों को 1 साल के बाद बीमा नहीं कराते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर 5 साल तक के लिए गाड़ी खरीदते समय ही अनिवार्यता तय कर दी है। ऐसे में आइए जान लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे इंश्योरेंस को लेकर और तमाम सवालों को लेकर, और कई आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि आखिर थर्ड पार्टी होता क्या है, इसके हमारे ऊपर क्या फ़ायदे हैं, इन सब को हम आगे वीडियो में जानेंगे। ऐसे में आइए अब जानते हैं थर्ड पार्टी बीमा के बारे में विस्तार से। थर्ड पार्टी बीमा की लायबिलिटी कवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमा तीसरे पक्ष से संबंधित होता है। अगर किसी के वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराया है और कोई दुर्घटना होती है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है। यहाँ फर्स्ट पार्टी चलाने वाला और थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है। वाहन की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्यता दिया है। यह बीमा वाहन मालिक को भी बचाता है। तो आइए अब जान लेते हैं वाहन बीमा के बारे में। वाहन बीमा किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर हमारे आर्थिक नुकसान की भरपाई करता है। यह बीमा के तहत बीमा इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में एक तरह का अनुबंध होता है, जिसके तहत कानूनी रूप से एग्रीमेंट किया जाता है कि आप प्रीमियम देने और कंपनी वाहन दुर्घटना होने पर आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कंपनी किसको किसको बीमा देगी। ऐसे में आइए अब जान लेते हैं बीमा के टाइप्स के बारे में। बीमा के दो टाइप हैं, यानी कि दो प्रकार हैं। पहला है फुल टाइम बीमा। अगर किसी वाहन के साथ दुर्घटना हो जाती है तो फुल टाइम बीमा में सभी तरह के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी की तरफ से करनी होती है। इसमें दुर्घटना के समय वाहन में बैठे लोगों के साथ साथ ड्राइवर और वाहन के अलावा सामने वाले वाहन, यानी कि जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसमें बैठे लोग और ड्राइवर के आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। दूसरा है वाहन बीमा के अंतर्गत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रावधान है। दुर्घटना पर तीसरे पक्ष के आर्थिक नुकसान की बीमा कंपनी भरपाई करती है। इस दौरान अगर तीसरे पक्ष की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी भी इसका भुगतान करती है। ज़्यादातर लोगों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का नाम सुनकर ही लगता है कि इससे क्या लाभ होता होगा, हम लोगों से बेकार का ही पैसा लिया जाता है। आम लोगों के बीच में यह धारणा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मिलने वाले लाभ, यानी कि जो लाभ आपको मिलेगा उस इंश्योरेंस से। इस पूरे जो वाक्या, इससे पहले हमने आपको कहा कि आम लोगों के बीच में एक धारणा है कि इस थर्ड पार्टी से क्या लाभ होता है, जबकि सच्चाई यह है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाने वाले को कोई घाटा होता ही नहीं है, क्योंकि यह इंश्योरेंस बीमा धारक को सभी वाहन दुर्घटनाओं में आर्थिक नुकसान से बचाता है, जबकि इस दुर्घटना में अस्पताल और कानूनी खर्च दोनों शामिल होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्षतिग्रस्त होने वाले की हैसियत आपसे कई गुना ज़्यादा हो तो आप उसको हर्जाना देने लायक नहीं होते हैं, लेकिन जब आपका अगर थर्ड पार्टी बीमा है तो कंपनी क्लेम देती है। भारतीय संविधान के अनुसार दुर्घटना से होने वाले शारीरिक और संपत्ति नुकसान का न्यूनतम मूल वाहन चालक को चुकाना होता है। अगर आपके वाहन का थर्ड पार्टी बीमा है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त आदमी को शारीरिक नुकसान होता है और उसका हर्जाना बीमा कंपनी को देना पड़ता है। इस दौरान अस्पताल का खर्च, उसकी कमाई का नुकसान और अन्य परेशानियों का खर्च भी उसमें शामिल होता है। इतना ही नहीं, थर्ड पार्टी बीमा के तहत संपत्ति के होने वाले नुकसान की भरपाई भी बीमा कंपनी की तरफ से की जाती है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत केवल दुर्घटना से हुई आर्थिक नुकसान की भरपाई ही बीमा कंपनी करती है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अपराध में शामिल वाहन पर बीमा कंपनी कोई भी मदद नहीं करेगी। तो यदि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, जब आप बाइक खरीदते हैं तो आपसे जो है 5 साल का बीमा क्यों करवाया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी तरीके से दलील भी दे रखा है, और ये हमारे लिए कितना लाभदायक है आप इस वीडियो में देखे ही होंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।